हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बीएडू केयर। कैट 2022 एग्जाम इज ओवर। ठीक है, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग रिएक्शन होता है। जनरली तीन रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन होता है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारा पेपर अच्छा गया, हमने लेट्स से एलआरडीआई से दो सेट अच्छे से कर लिए हैं, आरसी का दो सेट अच्छे से कर लिया, एंड अकाउंट में भी 8 से 10 क्वेश्चन हमने कर लिया, हमारा एक अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो हम एक अच्छे पोजिशन में होंगे। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो वो थोड़े सैड से फेसेस लेके अभी बैठे होंगे। थर्ड, वैसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत ही रिलैक्स मोड में हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ पेपर अच्छा भी गया, मन में थोड़ा सा डर भी होगा, बट वो रिलैक्स बैठे हैं, अपने आप को काम करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आइडियली व्हाट वी रिकमेंड कैट एग्जाम के बाद, आपने काफ़ी मेहनत किया है, रिजल्ट जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जनवरी फर्स्ट वीक में 10 तारीख के करीब, बट तब तक वी हैव टू बी रिलैक्स्ड। बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कैट के बारे में, जो हो गया सो हो गया, आपने मेहनत किया, आपने एग्जाम लिखा, अब हमें बस रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले आप ब्रेक लीजिए, आप एक आध हफ्ता तो ब्रेक लीजिए क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ाई की है, एक आध हफ्ता ब्रेक लीजिए। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है रिपीट का। रिपीट, आपने मेहनत किया, आपका ड्रीम है कि आपको IIMs में ही जाना है, टॉप के जो IIMs है वहाँ जाना है, तो आपको बदला लेना होगा क्योंकि यू नो आपने पढ़ाई तो किया बट पेपर जैसा आपको लग रहा था जाना चाहिए वैसा नहीं गया, या फिर आपकी जो मेहनत थी वो उतना अच्छे से आपने शायद मेहनत नहीं किया था, कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो शायद आप नहीं बना पाए अच्छे से, तो आपके पास एक ऑप्शन है बदला लेने का, तो रिपीट, यू हैव टू रिपीट फॉर 2023 इफ़ यू टारगेटिंग टॉप कॉलेज। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कैट का एग्ज़ाम नहीं लेते हैं और वो जो न्यूअर IIMs हैं उनसे बेहतर प्लेसमेंट भी देते हैं और ROI में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो है, जैसे कि जमनालाल बजाज। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो JBI में जाते हैं जिनका प्लेसमेंट काफ़ी बेस्ट है इन इंडिया। ठीक है, सो वैसे एग्जाम्स के बारे में आप सोच सकते हो, आप TIS के बारे में सोच सकते हो, आप CMAT के बारे में सोच सकते हो, अगर आपने स्नैप के लिए फॉर्म भरा है तो आप स्नैप, सिम्बोसिस के लिए आप जा सकते हो, नरसिम्हन जी के बारे में आप सोच सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिसके बारे में आप जरूर सोच सकते हो, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दोज एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया है तो आपको उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक्स होता है, अगर आपने अच्छे तरीके से कैट की तैयारी की है तो वो जो टॉपिक्स है सिमिलर टॉपिक्स ओके यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, और अच्छी बात यह कि डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है, तो अगर आप अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लिखते हो वो सारे एग्जाम्स की, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड स्कोर एंड यू विल बी एंटरिंग इन अ गुड टॉप कॉलेज। ठीक है, थर्ड, आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप रिपीट करने का सोचो या फिर आप नॉन कैट एग्जाम के बारे में सोचो, आपका जो प्रोफाइल है ये आपको बिल्ड करना है। प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया जा सकता है, यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट कि आपको करना किस में है। यू कैन डू MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, ऑपरेशंस, ओके, दिस आर दी फोर मेन सेगमेंट जहाँ पे स्टूडेंट्स MBA करते हैं, एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केटिंग या फिर फाइनेंस में MBA करना चाहते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग में कर रहे हो तो आप मार्केटिंग में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेंड आया है, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप कोर्सेज कर सकते हो, CMP करके कोर्स है तो वो आप कर सकते हो, फाइनेंस में अगर आप जाना चाहते हो तो MFI का कोर्सेज है, ओके, NSE की वेबसाइट पे आप जाओगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपको फाइनेंस का जो आपका प्रोफाइल है ये बिल्ड करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ में इफ़ पॉसिबल अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपने आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक जॉब भी देखना चाहिए, ओके, क्योंकि आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होते जाएगा। एंड यस, इफ़ यू टारगेटिंग नॉन कैट एग्जाम्स, फिर आपको मैं रेकमेंड करूँगा, एक बार आप अभी फिलहाल आप जॉब मत करिए, अभी आपका पूरा फोकस एग्जाम पे रखिए, मैक्सिमम जितना आपको बदला लेना है, कैट आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, जितना आप बदला लेना है आप नॉन कैट एग्जाम से लीजिए, मेहनत कीजिए एंड अच्छा स्कोर लाइए। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।